हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चामो ब्यूटी हिल्स चैनल। आज पार्टी मेकअप कैसे करना है और क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ किया है वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी। मेकअप करने के बाद जो पिक्स है वो इधर शेयर कर रही हूँ। क्रेलॉन कंपनी का FS22 नंबर का बेस हम लोग इधर क्लाइंट पे यूज़ करेंगे। FS22 इसलिए यूज़ किया है, यहाँ क्लाइंट का स्किन गोरा है तो फेयर स्किन पर FS22 अच्छा जाता है, इसलिए FS22 बेस को पूरा फेस, नेक, ईयर में अप्लाई किया। इसके बाद सेम क्रेलॉन कंपनी का पैलेट से FS24 लिया है। ये देख लीजिए, थोड़ा डार्क कलर है, ब्राउन कलर लग रहे हैं। इसको नोज़ करेक्टिव मेकअप के लिए यूज़ करूँगी। किसी को नोज़ काफ़ी मोटा या छोटा, लंबा कम होगा तो उसमें नोज़ को लंबा दिखाने के लिए और मोटा नोज़ को पतला दिखाने के लिए नोज़ करेक्टिव मेकअप करते हैं। यहाँ पर क्लाइंट को नोज़ अच्छा है, लंबा भी है, फिर भी हम लोग एक बार करेक्टिव मेकअप करेंगे तो नोज़ और भी शार्प अच्छा दिखेगा। इस तरह डार्क कलर को दोनों तरफ नोज़ के अप्लाई किया और बीच में FS22 बीच में इसलिए लगा रहे हम अप्लाई कर रहे कि फेस पूरा भी हमने FS22 ही अप्लाई किया है तो नोज़ के बीच में भी FS22 अप्लाई करने से इक्वल लगेगा पूरा फेस। अभी पूरा फेस में हमने बेस अप्लाई किया है, उसके बाद नोज़ करेक्टिव मेकअप किया है। अभी हम चाम्बर कंपनी का आई शेडो पैलेट यूज़ करेंगे। ये बहुत ही सिंपल आई शेडो पैलेट है, इसमें क्रीम कलर, गोल्ड कलर, कॉपर कलर और ब्राउन कलर है। इसमें क्रीम कलर को सबसे पहले पूरा आई के ऊपर अप्लाई करूँगी, इसलिए अप्लाई कर रही हूँ जो डार्क सर्कल्स है वो कवर होने के लिए, अनइवन स्किन टोन है तो वो भी इवन होने के लिए। क्रीम कलर को दोनों आंखों के ऊपर अप्लाई किया है। अब बेस अप्लाई करने के बाद आइस के ऊपर गोल्ड कलर का आई शेडो अप्लाई करूँगी, ये भी पूरा आइस में अप्लाई करूँगी। आई शेडो अप्लाई करने का तरीका देख लीजिए, मैं उंगली को आगे पीछे घुमाते हुए अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्रश नहीं यूज़ कर रही हूँ, फिंगर यूज़ कर रही हूँ, मुझे फिंगर से काफ़ी कंफर्ट लगता है इसलिए। रिंग फिंगर यूज़ करके आप आगे पीछे मर्ज करते हुए अप्लाई करेंगे तो अच्छा सा ब्लेंड हो जाएगा, वरना पैच जैसे रहेगा। अभी दोबारा गोल्ड कलर लेके सिर्फ आगे आगे का पोर्शन में, आधा पोर्शन में अप्लाई करूँगी गोल्ड कलर आई शेडो। पूरा आई में अप्लाई नहीं करूँगी, सिर्फ आगे आगे का आधा पोर्शन में अप्लाई करना है। इसमें आपका डबल शेड आएगा, आगे का गोल्ड और पीछे का पिंक। स्टार्स कंपनी का लिप पैलेट है ये, इसमें मैं डार्क पिंक कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। सबसे पहले लिप लाइनर ब्रश यूज़ करके लिप लाइनर ब्रश से लिप शेप को ड्रा कर रही हूँ, आउट लाइनर को ड्रा कर रही हूँ। इस तरह लिप शेप को हम पहले ड्रा करने की वजह से लिपस्टिक फिल करना इजी होगा। यहाँ पर मेरा क्लाइंट का लिप्स काफ़ी छोटा था, मैंने थोड़ा बढ़ाया भी है, लिप से थोड़ा ऊपर की तरफ लेके गया लिप लाइन, अब देख सकते हैं थोड़ा बढ़ाया है। ये है आईब्रो डिफाइनर, ये लाइट कलर से धीरे धीरे डार्क कलर है। इसमें हर किसी को डार्क ब्लैक कलर आईब्रोज नहीं होता है, किसी किसी को लाइट कलर भी होता है, इसलिए आईब्रो डिफाइनर में दो तीन कलर्स होगा तो उसको मिक्स करके हम सेम कलर ला सकते हैं। आईब्रो डिफाइनर यूज़ करके आईब्रोज को शेप दे रही हूँ। ये पाउडर बेस है आईब्रो डिफाइनर, काफ़ी अच्छा यूज़ होता है ये वाला। मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ, मेबेलिन का मस्कारा है। अभी आईलाइनर भी ड्रा करेंगे।
आई मेकअप करने के बाद फाइनल में आप आई लाइनर अप्लाई करने से अच्छा है, पहले ये लाइनर लगाएंगे तो फिर आई मेकअप से छुप जाएगा, इसलिए लास्ट में एक बार आप फिनिशिंग टच देना है आई लाइनर का। अभी ब्लशर यूज़ करेंगे चीक्स पे। ब्रश से हम ब्लशर टच करने के बाद थोड़ा डस्टिंग को हम इस तरह हाथ में निकालना है, वरना चीक्स पूरा गिर जाएगा पाउडर। चीक बोन पे आप ब्लशर अप्लाई करना होगा, इस तरह गोल गोल घुमाते हुए चीक बोन पे नीचे से ऊपर की तरफ लेना है पहले, उसके बाद हल्का सा चीक में स्प्रेड भी करना होगा। देख लीजिए, नीचे से ऊपर की तरफ लेके गया और हल्का सा चीक में स्प्रेड किया है। अभी हम काजल अप्लाई करना है और आई मेकअप में ग्लिटर भी अप्लाई करना है। लैक्मे कंपनी का काजल अप्लाई कर रही हूँ इधर। यह है मिस क्लेयर कंपनी का पर्ल शिमर ग्लिटर से। ये जहाँ पर आप ब्लशर यूज़ किया उसके ऊपर हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं, और नोज़ की मिडिल पोर्शन में भी आप हाइलाइटर की तरह अप्लाई कर सकते हैं, फोरहेड, चिन, नोज़ और ब्लशर जहाँ पर अप्लाई किया चिक्स में उधर। इसको अप्लाई करने की वजह से और शाइन दिखेगा अच्छा सा। अभी फाइनली गोल्ड ग्लिटर्स आई शेडो के ऊपर आई मेकअप में मिडिल भाग में अप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ एरिया में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इवनिंग पार्टी है इसलिए मैंने ग्लिटर भी अप्लाई किया है। मेकअप ख़त्म होने के बाद हेयर स्टाइल भी बना रही हूँ। यह वाटरफॉल हेयर स्टाइल है, साइड से दो थोड़ा सा बाल लेके दो पार्टीशन किया, एक बार उसको ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद ऊपर का एक लेयर बाल को बीच में रखा, बीच में रखने के बाद फिर एक बार ट्विस्ट किया, फिर ऊपर का बाल को दोनों पार्टीशन के बीच में रखना है, फिर एक बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करके लॉक करना है बाल को, फिर नया बाल लेना है, नया बाल को फिर एक बार ट्विस्ट करना है, ट्विस्ट करने से लॉक हो जाएगा, फिर दोबारा एक लेन लेना है। इस तरह मैंने दो लाइन बनाया है वाटरफॉल वाला, इसके बाद चोटी बनाऊंगी। यहाँ पर क्लाइंट का हेयर ज़्यादा घने नहीं है, नॉर्मल चोटी बनाने से बहुत ही पतला दिखेगा, इसलिए थोड़ा चोटी मोटा दिखने टाइप का दूसरा डिज़ाइन बनाऊंगी। दोनों तरफ से थोड़ा बाल लिया और बीच में से एक पतला सा एक लेयर लिया, नॉर्मल चोटी बनाया दो बार, उसके बाद साइड से थोड़ा थोड़ा बाल लेते हुए चोटी बनाऊंगी। इस तरह बनाने से आपका चोटी काफ़ी मोटा दिखेगा। अभी इधर मेकअप भी हो गया है, हेयर स्टाइल भी फिनिश हो गया है। देख लीजिए, छोटी थोड़ा मोटा दिखाई दे रहे इस तरह हम बनाने से, और सारी टकिंग भी फिनिश हो गया है। मेकअप, हेयर स्टाइल और सारी टकिंग पूरा फाइनल हो गया है। यहाँ पर क्लाइंट अपना मैरिज एनिवर्सरी इवनिंग पार्टी के लिए तैयार हो गया है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। वैसे ही और भी न्यू वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहूँगी। थैंक यू, बाय बाय।